सोलन के कोरोना संकट में जहां लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, वहीं कुछ मुनाफाखोर सब्जी विक्रेता नियमों को ठेंगा दिखाते हुए चांदी भी कूट रहे हैं। आपको बता दें कि सोलन की सब्जी मंडी में लहसुन जो सबसे अच्छी क्वालिटी का है वो 70 रुपये बिक रहा है। यही लहसुन जब बाजार पहुंच रहा है तो इसकी कीमत 150 से 180 रुपये तक हो जा रही है, जो सोलन की जनता से सरेआम लूट है। इस तरह अदरक व अन्य सब्जियों का भी यही हाल है, जिस पर विभागीय अधिकारी कार्रवाई तो अमल में ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुनाफाखोर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। कोरोना के इस संकट में जहां लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं मुनाफाखोर इस संकट काल में भी लाभ कमाने का मौका देख रहे हैं। जब इस बारे में जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के नियंत्रक मिलाप शांडिल्य से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि वे सब्जी विक्रेताओं पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। एक माह के भीतर 285 निरीक्षण हो चुके हैं, जिसमें 70 राशन और सब्जी विक्रेताओं के हैं जो शहरवासियों से अधिक कीमत वसूल रहे थे, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई है। लहसुन, अदरक और अन्य सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतों के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि ये मामला अब उनके ध्यान में आया है और वे जल्द ही इसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा सब्जियों के और करियाने के और जो पेरिशेबल सब्जियां हैं उन सब के मार्जिन ऑफ प्रॉफिट फिक्स किया है। जो नॉन पेरिशेबल वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, अरबी, इनके ऊपर कुल मिलाकर 30% मार्जिन ऑफ प्रॉफिट फिक्स किया है। अर्थात सब्जी मंडी में जो रेट लगता है किसी आइटम का, उसके ऊपर अगर नॉन पेरिशेबल वैरायटी की सब्जी है तो उसके ऊपर 30% मार्जिन रिटेलर ले सकता है। उसी प्रकार अगर नॉन पेरिशेबल दूसरी जो पेरिशेबल सब्जियां हैं उनके ऊपर कुल मिलाकर 45% मार्जिन रिटेलर ले सकता है। ये जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया है। पिछले दिनों में जब से ये लॉकडाउन या कर्फ्यू लगा है, हम लगातार मार्केट पे निगाह रखे हुए हैं। हमने पिछले दिनों लगभग एक महीने के भीतर 285 निरीक्षण किए हैं टोटल, जिसमें करियाना, सब्जी और फल शामिल हैं। 70 व्यापारी ओवर चार्जिंग करते पाए गए थे और या तो उन्होंने रेट लिस्ट नहीं लगाई है, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। और अब तक कुल मिलाकर 25 क्विंटल 53 किलो सब्जियां, 1 क्विंटल 20 किलो फ्रूट और 2 क्विंटल 24 किलो हमने अनाज जब्त किया है और इन 70 व्यक्तियों के खिलाफ आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और सर, जैसे कि लहसुन के रेट इतने महंगे हो रहे हैं, मंडी में 70 रुपये जो हाई क्वालिटी लहसुन है वो मैक्सिमम जा रहा है, और मार्केट में देखा जाए तो 150, 160 अगर हम बात करें, ये डबल से ट्रिपल हो रहा है, तो फिर इस बारे में आपका क्या कहना है? अगर ऐसा है, इससे ये वैसे इतना महंगा तो मार्केट में नहीं है, फिर भी आप ध्यान में लाइए बात, आपके माध्यम से हमारे पास आई है, हम तुरंत इसको चेक करेंगे और अगर कोई व्यक्ति निर्धारित मार्जिन से ज्यादा लेता पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे।